नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां हम मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारी वीडियोस लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और एक्सेल का एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, मान लीजिए आपको एक्सेल में कोई इंटरव्यू देना है, आप किसी पोस्ट पर जा रहे हैं, आपको एक्सेल पढ़ना है, या ये कुछ बेसिक सी टिप्स या बेसिक सी फॉर्मूले जो मैं आज आपको बताऊँगा, वो आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं। ये एक डेटा शीट हमने बनाई है दोस्तों, यहाँ पर ये नाम है और ये सब्जेक्ट हैं। अब होता क्या है कि मान लीजिए मुझे किसी को दिखाना है कि ये कैसे मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ, प्लस कर सकता हूँ, टोटल कर सकता हूँ, तो मुझे करना क्या है। वैसे तो आपको ये नंबर भरे हुए मिलते हैं, लेकिन अगर किसी ने आपको ये कहा है कि आपको एकदम से डायनेमिकली ये करना है, करके दिखाना है, तो दोस्तों एक रैंड फंक्शन होता है जो कि MS वर्ड में पैराग्राफ लिखने के काम आता है रैंडम, और यहाँ एक्सेल में नंबर जनरेट करने के काम आता है, और बहुत अच्छा जो है फंक्शन है। देखिए, करना आपको क्या है, आप इतने पोर्शन को पहले सेलेक्ट कर लीजिए, ये जिसको आप सेलेक्ट करेंगे, ये हमको इसमें जो है इस पूरे को लागू करना है, और ये सेलेक्ट करने के बाद मैं जो है कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ, और यहाँ पहले ये जो सेल दिख रहा है आपको विवेक और मैथ के बीच में, यहाँ लेकर आ रहा हूँ। यहाँ मुझे इक्वल्स टू का बटन दबाना है, RA&D लिखना है, और ये जो सेकेंड ऑप्शन पर आपको दिख रहा है यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद मुझे जो है दोस्तों दो नंबर देने हैं, तो मान लीजिए कि हम ये पढ़ाई की बात कर रहे हैं, तो यहाँ दे देते हैं कि 40 से लेके 99 के बीच में हमारे नंबर आ जाने चाहिए यहाँ पर रैंडम। 40 से कम ना हो, 99 से ज़्यादा ना हो, तो मैंने यहाँ पर मिनिमम वैल्यू लिख दी है 40, मैक्सिमम लिख दी है 99, ब्रैकेट कर दिया है बंद और मार दिया है एंटर। अभी आप देख रहे होंगे सिर्फ एक जगह पर नंबर आया है, लेकिन मुझे सब जगह चाहिए। तो दोस्तों इस, क्योंकि सिलेक्ट मैंने सबको कर रखा है, तो ये जो फॉर्मूला है ये लगाने के लिए आपको करना क्या है, एक बार कंट्रोल के साथ दबाना है R और एक बार दबाना है D। तो पहले मैं R प्रेस करता हूँ, ये देखिए, और अब D प्रेस करता हूँ, ये देखिए। तो दोस्तों ये नंबर आ गए हैं और ये रैंडम नंबर जनरेट हो गए हैं। ये बार बार अगर आप कहीं पे कोई फॉर्मुलेशन करेंगे तो ये चेंज होते रहेंगे, क्योंकि ये रैंडम नंबर हैं। आप ध्यान से देखिए, कोई भी 40 से छोटा नहीं है और कोई भी 99 के बाद 99 से बड़ा नहीं है। अब ऐसे में हमें करना क्या है, आपको इसको जो है पूरा सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप इस चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको इसको कॉपी करना है, ये कॉपी कर लिया है। अब राइट क्लिक कीजिए और ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, ये जो पेस्ट का ऑप्शन है, यहाँ से वैल्यू सेलेक्ट कर लीजिए। मुझे इसको वैल्यू बनाना है और इसका फॉर्मूला हटा देना है। तो ये देखिए, मैंने इसको वैल्यू बना दिया है। अब ये एक साधारण सी वैल्यू है और कन्वर्ट नहीं होगी। अब मुझे मान लीजिए इसका सम करना है, तो उसका एक शॉर्टकट ट्रिक है, यहाँ पर जाइए, आप वैसे फार्मूला लिखेंगे इक्वल्स टू सम, फिर F5 से लेकर H5 तक, ये सब ना करके आप ऑल्ट प्रेस कीजिए। ऑल्ट प्रेस करने के बाद आप इक्वल्स टू प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप ये देखिए, मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ सेल को, ऑल्ट के साथ आप इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, ये पूरा फॉर्मूला सेलेक्ट हो गया है। अब मुझे एंटर हिट कर देना है। इसके बाद ये ड्रैग नहीं करना है, यहाँ पर आइए और यहाँ पर आकर आप जब ये ब्लैक प्लस का सिंबल देखते हैं, तो यहाँ पर आके डबल टैप कर दीजिए। ये देखिए, ये सभी जो है यहाँ से टोटल हो गए हैं, और ये काम इतने जल्दी हो गया है कि अगर आप इसको मैन्युअली एक एक लिख कर करते तो आपको बहुत देर लगती। और यही दोस्तों एक्सेल है, और यही आपके फ्यूचर को भी एक्सेल कर सकता है, बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि मैंने आपको ये वीडियो में बना के समझाई है, इसलिए मुझे 4 मिनट लग गए हैं। मैंने जब पहली बार करके देखा था, प्रैक्टिस की थी, तो ये 1 मिनट से भी कम सेकेंड में हो गया था, क्योंकि रैंड फंक्शन का इस्तेमाल करके ये नंबर जनरेट किए जा सकते हैं। जनरेट करने के बाद जो है आप यहाँ पर उसका टोटल कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा फॉर्मूला जो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आपको सिर्फ करना क्या है, सेल में आने के बाद ऑल्ट के साथ इक्वल्स टू प्रेस कर देना है, तो आप देखते हैं कि आपको ये सम जो है प्रॉपर देखने के लिए मिल जाता है। इसके लिए पहले क्या होता था, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले आपको करना क्या पड़ता था, मान लीजिए ये नंबर यहाँ पर नहीं होते, तो इसको ये इनका टोटल करने के लिए हम ऐसे सेलेक्ट करते हैं, और ये खाली रो रखने के बाद यहाँ पर ऑटो सम पर क्लिक करते हैं, तब भी वह ऑटो सम आ जाता है। लेकिन जब आपको ये ऑप्शनल ट्रिक दी हुई है, बहुत अच्छे काम की, तो इनका इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। और इसी ही तरीके के और वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रही है, हम एक्सेल के लिए भी कुछ ना कुछ नए वीडियो लेकर आते रहते हैं। आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।